अब नेहरूज इंटरनेशनलिज्म देखो 1947 फोर्टी सेवन फोर्थ ऑफ दिसंबर कहानी यहीं से शुरू करेंगे इनके इंटरनेशनलिज्म की फोर्थ ऑफ दिसंबर 1947 फोर्टी सेवन ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम और इन्होंने कहा था कि वी विल नॉट अटैच आर्सल to any particular group, and therefore he believed in नाम non-aligned movement. अब जरा इसपे socho non-aligned movement tha kya We were never with any superpower, whether the U.S. or the USSR. ना तो हम USA के साथ थे, ना मैं USSR के साथ थे. और सही मायनों में कहा जाए तो कोई हमारे साथ भी नहीं था हमारे पास था क्या कि हम किसी को कोई हमारे साथ आए कुछ था क्या गरीब गुरबों का देश था खाने को अन्न नहीं रहने को घर नहीं पढ़ने को स्कूल नहीं काम करने के लिए उद्योग धंधे नहीं सड़के नहीं कुछ भी तो नहीं था लेकिन फिर भी ही डेवलप्ड अ पॉलिसी सो आई कैन नेवर से दैट इट वाज अ पॉलिटिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी डोंट कंफ्यूज योअर सेल्फ दैट ही बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी लिख लेना इसको इट वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी रादर ही वांटेड द पोलराइजेशन ऑफ पावर इन फेवर ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज क्योंकि नॉन अलाइंड कंट्रीज यदि मिल जाएंगी तो ये इन दोनों से भी बारगेनिंग कर सकेंगे तो नॉन अलाइंड कंट्रीज का यदि पावर काम कर जाएगा तो बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी ये बात उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो विशेषताएं हैं वो लिख लें म्यूचुअल गुडविल टॉलरेंस पॉइंट्स लिखते चलिएगा गए म्यूचुअल गुडविल टॉलरेंस पीसफुल को एग्जिस्टेंस अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपोजिंग the military blocks friendship in both the blocks to help national interests and believed that non-alignment policy was an absolute necessity for underdeveloped countries he wanted to isolate the conflicts during the Cold War periods. So he basically believed that nations should not that nations should not propagate imperialism, expansionism, imperialism. साम्राज्यवाद कि अपना साम्राज्य बढ़ाते चलो जो उन्होंने कहा है एक तो ये है दूसरी बात ही बिलीव इन ग्लोबल पीस ग्लोबल पीस टू सपोर्ट एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू सपोर्ट एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिज पंचशील

चाइना और इंडिया ने पंचशील पे साइन किया और पंचशील में क्या कहा गया था म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी मतलब एक दूसरे के जो टेरिटरी है उसको आप बचाए के रखें भाई उसके बाद निष्ठा रखें एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें यह पहला पॉइंट था जो रू दूसरा पॉइंट था वो था नॉन एग्रेशन एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे मेंटेनिंग बेनिफिटिंग इंटर स्टेट रिलेशनशिप ये स्टेट मतलब इंडिया एंड चाइना और सबसे बाद वाला पॉइंट था पीसफुल को एग्जिस्टेंस पीसफुल को एग्जिस्टेंस ये एक किसके साथ किया इन्होंने चाइना के साथ और चाइना ने क्या किया आप देखो चाइनीज लीडरशिप इज वेरी चतुर चालू चिरकुट मैं तो कह रहा हूं भाई आप से यदि हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसको फॉलो तो करो यार नेहरू को यह लगा था कि बस हो गया और आप बताओ उन्होंने आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर चाइना ने कर दिया कि नहीं कर दिया हम गरीब हमारे पास आर्मी के पास उतने रिसोर्सेस नहीं बुरी तरीके से हमारी जमीन उनके पास गई जो आप अक्साई चिन्ह का हिस्सा देखते हैं वो हमारा पार्ट हुआ करता था कभी नेहरू जी ने ये कह दिया कि यार यार उसमें तो कुछ उगता ही नहीं है मैं आज तक इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पाता हूं ऐसा कैसे कह सकते हो आपके उस पर कुछ उगता नहीं है उगता तो हिमालय पर भी नहीं है दे दें दिस इज आर मदर कंट्री एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट हर टेरिटोरियल एक्सटेंट्स हम कैसे छोड़ दे इसको और हमको निपटा दिए फिर बंद कर दिया उन्होंने एक तरफ आयुद्ध शुरू किया अपनी तरफ से अपनी तरफ से उन्होंने बंद भी कर दिया बस और वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्रा हो गई हो गई ना हो गई ना क्यों ड्रॉ हो गई तो बेसिकली नेहरू जी ने भी कहा कि चाइनीज हैव है कि चीनियों ने हमारी पीठ पे छुरा घोप दिया और आप बताओ हमारे रिसोर्सेस कितने उस समय खराब हुए कितने लोग मरे उस वॉर में ईयर में हुआ था 1962 और आज की तारीख में यदि आप देखो तो चाइना डोकलाम पे आता है और वहां पर कचर पचर करके हाथ कुश्ती उश्ती करके फिर भाग जाता पीछे उसको पता है डोकलाम उसको मिलेगा नहीं उसको यह भी पता है कि यह जगह उसकी नहीं है लेकिन वहां पर आता है क्यों आता है उसको ये पता है कि हम यहां पर थोड़ा बहुत हाथापाई करते रहेंगे तो इंडिया को ये कम्युनिकेशन जाता रहेगा कि वो जो साउथ हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसका वो डोकलाम नेक वाला एरिया है तो यदि उस पर उसने कब्जा कर लिया तो हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथ से चला जाएगा और इसलिए हम उसको जाने नहीं दे सकते और आप देख लो हमारे इंडियन शोल्डर्स ने कितना बहादुरी से काम किया अभी सवा लाख से एक लड़ाऊ वाला इस बार हुआ है हमारा हम लड़े नॉट अ कंप्लीट आर्म्ड बैटल लेकिन हमने किया उसमें बचाया हमने तो वो तो ऐसा है कि कबड्डी 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 क्यू भाक ऐसे कर रहे हो यार आप दम हो तो आगे आओ पूरी आंख खोल के बात करो हमसे है? वो कर नहीं पाते हो तो हम हमेशा कहते हैं पंचशील एज अ पोलिटिकल फिलॉसफी इज गुड बट इट वॉज साइंड विथ चाइना वॉज नॉट गुड and when it was signed with china we should have taken care of every negative aspect and nefarious intentions of chinese aggression हमको हर हालत में इसको भी समझना चाहिए था कि उनके इंटेंशंस खराब हैं क्या करना चाहिए हमको हमको नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रांग डेवलपमेंट करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में हमको रेलवे लानी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में हमको रोड बनाने चाहिए नॉर्थ ईस्ट में हमारे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनने चाहिए हमारे फ्लाइंग के लिए हमारे जेट्स के लिए वहां पे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए हमारे ब्रिजेस अच्छे होने चाहिए हो रहा है अभी बिकॉज वी हैव टू काउंटर चाइनीज एग्रेसिव माइंडसेट नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से निकल जाएगा ये तो अच्छा है कि चीन से हमने उधारी नहीं ली है जिसने जिसने ली है उसकी लंका लग गई है तो यह भी हमको देखो जब पढ़ रहे हैं तो जानना चाहिए इसको ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा और नेहरू ने इसीलिए नाम के को फाउंडर बने थे वो और नॉन अलाइन मूवमेंट हम तो हमेशा कहते हैं कि ठीक था और आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे नहीं फॉलो कर रहे लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जितने भी नॉन अलाइन मूवमेंट में देश हैं, वो सब डेवलपिंग नेशन सबकी एक तरह की समस्या है सबके पास सोशल प्रॉब्लम्स हैं कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन की समस्याएं तो यदि ये देश मिलकर के एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं कॉमन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कॉमन प्लान देते हैं तो कम खर्चे में हम ज्यादा लाभ ले सकते हैं इट शुड बी टेकन एज ए सोशियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म राधर देन अ पोलिटिकल प्लेटफॉर्म टूडे क्योंकि वैसे भी वो तो खत्म ही हो गया ना अब कौन सा वो ब्लॉक पड़ा हुआ है रशिया और यूएसएसआर का यूएसएसआर और यूएसए का कोई नहीं पड़ा है ठीक है तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लेकिन नेहरू जी की कुछ बातें बहुत अच्छी बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी और वो कौन सी बातें हैं उसको भी हमको समझ लेना चाहिए जैसे जो उन्होंने किया उसमें आप गौर करें ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन इन डेवलपमेंटल पुरुष थोड़ा सा समझना हम समझाएंगे आप जरा सोचिए ट्राइबल डेवलपमेंट में पहला एक मॉडल था पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन क्या था पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन वेरियर एलविन ने दिया था उन्होंने कहा था ट्राइबल्स को अलग रखो कहां रखो अलग रखो क्योंकि वो जब मेन स्ट्रीम से मिलते तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है तो एक साहब थे उन्होंने कहा तुम क्या चाह रहे हो वेरियल एलविन तुम क्या ट्राइबल्स के लिए चिड़ियाघर बनाना चाहते हो लोग दूर से देखें वो ट्राइबल्स देखो वो वैसे रहते देखो जा रहा है वैसे बनाना चाहते हो क्या तो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन विच वॉज गिवन बाय वेरियर एल्बिन वॉज नॉट सक्सेसफुल और हम सक्सेसफुल उसको देख भी नहीं सकते थे दूसरी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन ये जीएच घुरे की थी घुरे ही नहीं कहा तुम जू बना रहे हो क्या जीएच घुरे पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन ऐसीमेशन ये एसिमिलेशन कर लो भाई जैसे दूध पानी मिल जाता वैसे ही ट्राइबल्स हमारे साथ मिलजुल के हो जाए पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन पॉलिसी पॉलिसी ऑफ एमिलेश बहुत बढ़िया पॉलिसी है लेकिन इस पॉलिसी की भी कमी है उस पॉलिसी की कमी ये है कि दूध में जब पानी मिला लेते हो तो पानी का अस्तित्व खत्म हो जाता है उसकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है इट लीड्स टू तो आइडेंटिटी क्राइसिस आप ये क्यों कहना चाह रहे हो कि जो मेन स्ट्रीम का कल्चर है मेन स्ट्रीम का रिलीजन है मेन स्ट्रीम का थॉट प्रोसेस है मेन स्ट्रीम की फिलॉसफी है वो ट्राइबल फिलॉसफी कल्चर लैंग्वेज से खराब है अच्छी है नहीं कह सकते और इसलिए तीसरी फिलॉसफी आई वो थी पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन इसी की हम बात करते हैं तो जो नेहरूवियन थॉट प्रोसेस अबाउट ट्राइबल डेवलपमेंट है वो यही शुरू हो जाता है वेरियर उनके बड़े अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने जो दिया उसमें वो इंटीग्रेशन है तो मैं ये कहता हूं कि उन्होंने क्या दिया ही गेव रेस्पेक्ट फ्रीडम इंडिपेंडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन देयर ओन सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक उन्होंने उनके स्वयं के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में सामाजिक और आर्थिक उद्यमिता की स्वतंत्रता दी उनको पहचान का संकट नहीं आने दिया डिड नॉट अलाउ द आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर द ट्राइबल्स हम क्या करते हैं हम गरीबी निवारण के कार्यक्रम चलाते हैं और रोटी बांट देते हैं बोले आज रोटी खा ली आज गरीबी से ऊपर हो गए दूसरे दिन फिर गरीबी के नीचे हमने कभी भी उनको रोटी बनाना नहीं सिखाया और राजनीति ऐसी ही थी एक कवि ने लिखा था बड़ा अच्छा लिखा था एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी सेकता है एक आदमी को रोटी खाने को मिलती है लेकिन एक आदमी और है ना वो रोटी बेलता है ना सेकता है न खाता है वो तो सिर्फ रोटी से खेलता है मैं ये पूछना चाहता हूं ये चौथा आदमी कौन है तो ये चौथा आदमी है ना ये बदमाश है और ये चीज जिस दिन हम संभाल ले गए उस दिन यह मान के चलना हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट वास्तव में बहुत अच्छा होगा और मैं ये बात कह सकता हूं कि ट्राइबल डेवलपमेंट अपने देश में बहुत बढ़िया हुआ है अभी लेकिन फिर भी पिछड़ापन तो है मैं अभी तकरीबन साल भर पहले छिंदवाड़ा में एक जगह है जहां पर पाताल कोट है पाताल कोट के भारिया यदि आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो तो मैं पाताल कोट के भारियाओं से मिलने गया तो जितनी गरीबी किताबों में दिखती है वो है नहीं उनके घरों में टीवी है उनके घरों में रेडियो है उनके घरों में केक कटता है उनके घरों में डीजे में डांस होता है और बढ़िया लाइफ चल रही है उनकी ये डेवलपमेंट हुआ है ना कि नहीं हुआ है आप बताओ ना तो जो ट्राइबल पॉलिसी ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी उन्होंने शुरू की अब उसका हमको परिणाम मिलना शुरू हुआ है बीच में जो हमको पता है राजीव गांधी कहते थे एक रुपया देते हैं पच पंद्रह पैसा पहुंचता है ये बीच का जो पिलफरिज है वो बंद हो जाए बीच में जो चोरी हो जाती है ना पैसा जाता है कुछ पहुंचता है कुछ बीच में कहा जाता है वो चौथा आदमी कौन है वो देखना है हमको ये यदि ठीक हो जाए तो हमारा देश अगले 10-15 सालों में सीरियसली मैं कह रहा हूं विल बी लीडर्स हम हो रहे हैं ये भी कहेंगे हम हो रहे हैं ठीक है तो ये भी हमको समझ में आता है इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की उन्होंने आई खुलवा दिए खुलवा दिए कि नहीं खुलवा दिए पॉलिटेक्निक्स खुलवाए आई खुलवाए फाइव ईयर प्लानिंग दी उन्होंने फॉर द प्रूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाएं दी कितने सारे इंस्टीट्यूशंस खुलवा दिए उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए सब खुलवाया कि नहीं खुलवाया उन्होंने आप आप लाइन लगा लो लिख लो हमको बताने की जरूरत नहीं है आपको जितने भी आप इंस्टीट्यूशन आज की तारीख में बहुत डेवलप्ड देख रहे हो वो सब नेहरूवी नेहरा की देन है देखो हमेशा ध्यान रखना कि पत्थरों से न्यू बनती है और उसके ऊपर हमको न्यू के ऊपर अपना घर बनाना पड़ता है न्यू नहीं होती तो घर भी नहीं बनता तो न्यू तो बनाई है कैसे बनी क्यों बनी कितना घपला हुआ कितना घोटाला हुआ ये आज डिस्कस करने का मत वो हो सकता है मसाला लेकिन कंट्रीब्यूशन को तो नजरअंदाज नहीं करेंगे हम ठीक है इसी तरीके से अनटचेबिलिटी के लिए उन्होंने काम किया सोशल जस्टिस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेकेंड थर्ड आप याद करें तो बाकी सारी चीजें जो आप लिखते हो वो नेहरू जी की आपकी कहानी है इसके अलावा यदि देखें तो उन्होंने एफ्रो एशियन यूनिटी पे भी काम किया मैं थोड़ा सा इस पर अलग से बताना चाह रहा हूं एफ्रो एशियन यूनिटी क्योंकि हम सबकी स्थिति एक ही जैसी थी अफ्रीका की और एशिया की सबकी लुटाई हुई थी ठीक है और यहीं से नाम बना था यदि आपको याद हो बाकी मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो तुम अपने मन से लिख सकते हो तो ये हमारा नेहरू का टॉपिक